फ्रेंड्स, आप जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में अगर आप अतिरिक्त प्रयास, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर सकते हैं, तो आप कामयाब भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं और आप स्वयं की एक नई पहचान भी आप बना सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और हर बुधवार की तरह आज आपके लिए छोटी सी कहानी जो आपको प्रेरणा देकर जाएगी कि जीवन में कैसे किए जाने वाले प्रयास में कुछ अगर हम अतिरिक्त प्रयास करें तो जीवन में एक अपनी खुद की एक नई पहचान भी बना सकते हैं और हम सफलता की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जरूर सुनेंगे और जीवन में कुछ अतिरिक्त प्रयास कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आप प्रयास जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि जीवन में जब अतिरिक्त प्रयास करेंगे तो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ही हमें जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है विवेक और राघव नाम के दो दोस्तों की। काश जिगरी दोस्त थे विवेक और राघव। दोस्तों, वो दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़े थे और साथ में एक ही कॉलेज में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। तो और देखिए, उन दोनों का संयोग देखिए कि जब उन्होंने नौकरी लगी तो उनकी कंपनी भी एक ही थी, मतलब एक ही कंपनी में उन दोनों की ज्वाइनिंग हुई। और जब आप जानते हैं कि जब कोई काम करता है कोई कंपनी में तो प्रमोशन का नंबर तो आता ही है। तो जब प्रमोशन का बारी आई तो उनका जो बॉस था वो विवेक को, तो जो विवेक था उसको तो प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन राघव को प्रमोशन नहीं मिला। तो राघव नाराज हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रमोशन नहीं मिलेगा तो राघव नाराज हो गया। तो नाराज जो राघव था वो बॉस के पास जाकर बोला कि बॉस, हम दोनों बराबर से मेहनत करते हैं और साथ आए थे, हम दोनों ने ही नौकरी कर रहे हैं, तो फिर प्रमोशन विवेक को ही क्यों, तो जबकि ज्ञान हम दोनों में ही बराबर है। तो जो उनका बॉस था वो मुस्कुरा कर बोला कि आप दोनों में अंतर है। तो जब अंतर का नाम सुनते ही जो राघव था वो जानना चाहता था कि हम दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे ही अंतर पूछने लगा तो बॉस ने विवेक को बुलाया, राघव को बुलाया और कहा कि दोनों मेरा एक काम कर दो। तो दोस्तों, वो जब विवेक और राघव दोनों काम करने के लिए उन्होंने बॉस ने बुलाया तो वो बॉस ने कहा कि तुम दोनों बाजार जाओ और देखो कोई तरबूज बेच रहा है क्या। तो दोनों बाजार चले गए और दोनों जब आधे घंटे बाद लौटे तो राघव बोला कि एक तरबूज वाला मिला था जो 30 रुपये किलो तरबूज बेच रहा था। ध्यान से सुनो, राघव ने बोला कि एक तरबूज वाला मिला था जो 30 रुपये किलो तरबूज बेच रहा था। और फिर विवेक आकर बोला कि एक तरबूज वाला था जो 30 रुपये किलो तरबूज बेच रहा था, लेकिन ज़्यादा लेने पर वो 20 रुपये किलो में भी दे रहा था और ज़्यादातर तरबूजों का जो वजन था वो 2 से 3 किलो था और उसके पास कम से कम 40 तरबूज थे और जिसमें 15 से 20 तरबूज अच्छी क्वालिटी के थे और फ्रेश थे। तो जिस प्रकार उन्होंने उस विवेक ने उस बॉस को समझाया तो वो राघव था जो वहाँ पर वो खड़ा खड़ा सुन रहा था वो अपने आप ही समझ गया कि हम दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों, जब कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, कुछ अतिरिक्त हम प्रयास करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ही मिलता है। तो जीवन में इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्ञान तभी काम आता है जब हम कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग से करने का प्रयास करते हैं और जीवन में बारीकियों को ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जीवन में बारीकियों को समझने के साथ साथ अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करने के जो है सीख मिलती है और जीवन में अतिरिक्त किया गया प्रयास आपके जीवन को जरूर सफल होने की तरफ अग्रसर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर सीख देकर गई होगी और जीवन में इस कहानी की जो मिलने वाली सीख है इसको लेकर जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं लगातार आपको मोटिवेट करने का प्रयास लगातार करता रहूँगा। तो जरूर कहानी अगर आपको सीख देकर गई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे आप दोस्तों को भी कुछ ना कुछ जरूर प्रेरणा दे सको। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट करने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।